कहाँ लगे थे? मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। किसका फोन आया था? किसी का भी नहीं। ऐसा तो नहीं है, आपको मैंने देखा था, आप परेशान थे। मुझे बताएं ना, क्या हुआ है? मैं घर गया था बताने के लिए कि हमने शादी कर ली। फिर वहां गया तो वहां एक अलग ही मसला चल रहा था। क्या मतलब है, कैसा मसला? आपने मुझे कहा था कि शादी के बाद आप मुझे घर लेके जाएंगे ना, सबसे मिलवाएंगे, तो फिर? जानता हूं कहा था, लेकिन जो बात वहां हुई है उस मौके पे मैं उन्हें ये नहीं बता सकता था कि मैंने तुमसे शादी कर ली। क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले आपने मुझे कहा था कि हमें कुछ दिन के लिए घर से जाना होगा, और आप फिर मुझे लाहौर लेकर आ गए। फिर आपने कहा कि आप पापा से बात करके सब कुछ सेटल कर लेंगे, और वो भी नहीं हुआ है। और अभी शादी, ये पुलिस केस, और जब मैंने आपको कहा है कि शादी में अपनी फैमिली को बुलाएं, तो आप मुझे कह रहे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? धोखेबाजू, दगाबाजू, क्या कहना चाह रही हो तुम? जो तुम्हारे दिल में है तुम बोले जा रही हो। तुमने ये नहीं देखा मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया? तुम्हारा क्या गया? बोलो क्या गया तुम्हारा? नूर, देखो नूर, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। प्लीज मुझे गलत मत समझना। देखिए, मैं अकेली हूं, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे बताएं तो क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब मैं अपने घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहन भाई ने मेरी बहन को वापस भेज दिया, और वो पैसों का तकाजा कर रहा है। अब तुम खुद ही सोचो, जहां एक तरफ मेरी बहन का घर उजड़ रहा है, वहां मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूं। बहुत पैसे मांगे मेरे बहन भाई ने, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूंगा। दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा। अच्छा अच्छा, आपके आपके अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं कहा? मैं, मेरे अब्बा दिल के मरीज हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मेरी वालदा, अगर उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी की तलाक होने वाली है, तो वो जीते जी मर जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा।